नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो टीचिंग रिलेटेड नया अपडेट ये है, फिलहाल में काफ़ी दो बड़े महाधरने हुए और उन दोनों धरना का जो रिजल्ट अगर देखा जाए कि सामने क्या है, तो अभी तक कोई ठोस रिजल्ट सामने नहीं मिला है, लेकिन उसका दबाव कहीं ना कहीं आयोग पर है। और अभी ऐसा फिर कहा गया है कि अगर चीजें नहीं सही से हुई तो लखनऊ में अब अगला जो धरना होने वाला है वो जल्द ही आपके लखनऊ में होगा और उसका भी समय सारणी आपको दिया जाएगा। तो जैसे आप सभी की एक जुड़ता रही है और इस भर्ती को लेकर कि नई भर्ती लाई जाए, ठीक है, और जो पहले से पेंडिंग भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द कराया जाए। सबसे पहली जो हमारी मांग रही है कि भाई कैलेंडर जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। एग्जाम जो पुराने हैं वो कैसे कंडक्ट होंगे, अब उस पर कहीं ना कहीं चांसेस हो गए हैं कि वो जल्द से जल्द आपके एग्जाम पुरानी भर्तियों के कंडक्ट करा लिए जाएंगे, क्योंकि जिसकी खोज जारी थी वो खोज पूरी हो चुकी है। जो आपके एक तरह से बोला जाए परीक्षा नियंत्रक जो थे वो नियुक्त कर दिए गए हैं। अब अगला जब परीक्षा नियंत्रक आपका नियुक्ति हो जाता है तो अब इनके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है कि जो भी परीक्षाएं अभी तक आपके पेंडिंग पड़ी थी उनको सुचारू रूप से कराया जाए। और रही बात, अभी कुछ दिन पहले ही सभी आयोग के अध्यक्षों से बैठक किया था सीएम योगी जी ने और कहा था कि भैया जैसे पुलिस मॉडल का पेपर कराया गया, जिस प्रकार से कि हाँ कोई भी चीजें संदिग्ध नहीं लगी कि कहीं से भी कोई ऐसी खबर आई कि हाँ ऐसा हो गया, उसी मॉडल को अपनाते हुए आप लोग भी अपने अपने विभागों में जो है एक तरह से बोला जाए एग्जाम को लेकर चलेंगे और जल्द से जल्द, क्योंकि जो ई अधियाचन वाला एक पोर्टल है उसके थ्रू आप ई अधियाचन जल्द से जल्द मंगाइए और जितनी भी रिक्त पदे हैं उनको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन उनका निकालिए और आगे एग्जाम भी आप पुलिस मॉडल पे कराइए जैसे उन्होंने कहा। अब हम बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो यहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति तो हो गई थी, अब अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद ही आपके यहां पर देखा गया कि परीक्षा नियंत्रक नहीं मिले थे, तो अब परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति हो चुकी है। बोला गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आखिरकार परीक्षा नियंत्रक भी मिल गया। उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके देवेंद्र प्रताप सिंह है। अब इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, इनके ऊपर भैया जिम्मेदारी ये है कि जो पहले की जो 2022 की टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आपके पद हैं उनके जल्दी से जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराए जाए। नए आयोग के गठन के साल भर के बाद 1 सितंबर को गोरखपुर के विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कृति पांडे को, ध्यान दीजिएगा, कृति पांडे को अध्यक्ष बनाया गया था और 21 अगस्त 2023 को नए आयोग के अधिनियम कैबिनेट ने पास हुआ था और उसके बाद 13 नवंबर 2023 को नियमावली को मंजूरी मिली। 15 मार्च को आयोग में 12 सदस्यों की नियुक्ति हुई और 18 जुलाई को सचिव ने कार्यभार ग्रहण किया। उप सचिव के 4 सृजित पदों में से केवल एक पर कार्यवाहक उप सचिव कार्यरत हैं। समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं और आयोजित कराने के लिए नए आयोग में परीक्षा नियंत्रक का पद सृजित किया गया है। परीक्षा केंद्र केंद्र अधीक्षकों तथा कक्षा निरीक्षकों की अव्यवस्था और परीक्षार्थियों की अनुक्रमांक आवंटन एवं प्रवेश पत्र की व्यवस्था, आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन के प्राक्रम में चयनित अभ्यर्थियों का पैनल अग्रसरित करने तक पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही, आवेदन पत्रों के समुचित और समय से संविक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक की होती है। सभी मतलब परीक्षा से रिलेटेड जो भी चीजें एप्लीकेशन आया, उनका एडमिट कार्ड, ये सब चीजें, सब कुछ जिम्मेदारी कैसे कराना है, परीक्षा को कंडक्ट कराना इनकी जिम्मेदारी होती है। तो यहां साफ साफ बोला गया है कि विज्ञापित पदों पर परीक्षा कराना होगा। चुनौती कौन से आपके, जो भी आपके यहां पर बोला गया है कि महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों के चयन के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए गए थे, इसके लिए आवेदन करने वाले 1,00,000 अभ्यर्थी की परीक्षा करानी है और 4,512 एडेड स्कूलों में टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के
624 कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई 2022 तक आवेदन मांगे गए थे। इसके परीक्षा को कराना बड़ी चुनौती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है और बच्चे कहीं ना कहीं इसकी भी मांग कर रहे हैं। काफी समय से 2022 से 24 हो गया, 2 साल होने वाला है, 2 साल से ऊपर हो चुका है और अभी भी इनके एग्जाम डेट का कंफर्मेशन नहीं है। तो ये अब कहा गया है कि जो भी कैलेंडर आएगा, अगर हम नए कैलेंडर की बात करें तो नया कैलेंडर आपके जो भर्ती बोर्ड से मांग की गई थी, कम से कम आप धरना में कि कैलेंडर जारी करिए कि आप कब कब कौन सी भर्तियां कराएंगे। तो यहां पर साफ साफ बोला गया है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन तो कर दिया, लेकिन अभ्यर्थियों को कैलेंडर के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। आयोग को किसी भी नई भर्ती का अधियाचन नहीं मिला है और कैलेंडर तभी जारी किया जा सकेगा जब आयोग की भर्तियों का अधियाचन मिलेगा। इसीलिए सीएम योगी ने सभी अध्यक्षों को बुलाकर कहा था, भैया जल्दी से जल्दी ई पोर्टल जो आपका है, ये अधियाचन वाला, उसका इस्तेमाल करिए और सभी जगह से भर्तियां जो है अध्याचन है वो मंगाइए, और ताकि ये कैलेंडर आपके विभाग के बन सके और आगे की कार्यवाही जल्दी से हो सके। तो यह वर्तमान में आयोग के पास केवल 2 लंबित भर्तियां हैं, जिसके तहत राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और टीजीटी पीजीटी वाले 4163 पदों पर भर्तियां होनी है। दोनों भर्तियों के लिए 2 साल पहले अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग को अब भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करनी है। परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए आयोग के पास फिलहाल किसी नई भर्ती के लिए अध्याचन नहीं है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के मद्देनजर आयोग ने शासन और संबंधित विभाग को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है, लेकिन प्रक्रिया लंबी है, सो आयोग को अध्याचन मिलने में वक्त लगेगा। अब देखिए यहां पर, अब वक्त इतना तो हुआ, अभी तक तो इनके पास कहीं ना कहीं प्राथमिक भर्ती ही नहीं थी, सब अनुपात बराबर था, लेकिन ये जो 2 महाआंदोलन हुए, ये 2 महाआंदोलन एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार तक ये बातें पहुंची हैं और ये आपके यहां से कम अध्याचन मांगा गया है कि भैया भेजिए, प्राथमिक की अध्याचन भी मांगे गए हैं, लेकिन इसमें बोला गया है कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है, समय लगेगा। अब ये भी समय कम किया जाएगा जब एक बार और धरना हो, ठीक है। अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रसिद्धि विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के तकरीबन 78,000 पद रिक्त पड़े हैं। वहां अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से अधिक पद और प्राचार्य के तकरीबन 150 पद खाली हैं। मतलब यहां प्राथमिक शिक्षक के आपके 78,000 पद खाली हैं। ये अभ्यर्थियों का यही महाधरना का था कि ओवरऑल 97,000 भर्ती आप देखे होंगे, ठीक है, 97,000 भर्ती की मांग थी। आयोग ने उच्च शिक्षा निर्देशालय से अब तक रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मांगा है, बल्कि निर्देशालय ने अपने स्तर से रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी है और सभी प्राचार्यों को पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। उस शिक्षा निर्देशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्राचार्य के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने और सभी औपचारिकताएं पूरी करने में कम 1 माह का वक्त लगेगा। इसके बाद रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग के पास अभी कोई नई भर्ती नहीं है, ऐसे में कैलेंडर कैसे जारी की जा सकती है। अब यहां पर मेन है कैलेंडर की जो बात हमने कहा था, तो इनका यही कहना है कि भाई जब कोई नए अध्याचन अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, हमने अध्याचन के लिए सभी विभागों को बोल दिया गया है, लेकिन अध्याचन अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है। इस सब प्रक्रिया में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। तो जब हमारे पास कोई नई भर्ती नहीं है तो हम कैलेंडर कैसे निकालें? नई भर्ती का अध्याचन मिलने के बाद ही कैलेंडर तैयार किया जाएगा। तो अब यह कंफर्मेशन हो गया है कि अभी हमें 1 महीना कंफर्मली, मैं तो जब धरना हुआ था ना तो बोला गया था कि कमेटी गठित कर दी गई, 1 सप्ताह के अंदर कैलेंडर बन के तैयार होगा और एक उस पर विचार विमर्श होगा, फिर 1 सप्ताह के बाद आपको वो दे दिया जाएगा। सब जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई बच्चों को शांत करना था। आयोग पर कैलेंडर जारी करने के साथ लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का भी दबाव है, साथ ही शासन की नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की चुनौती है।
आयोग के नए परीक्षा नियंत्रक भी मिल चुके हैं। अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की नियुक्ति पहले से हो चुकी है। ऐसे में साल के अंत तक आयोग में लंबित भर्तियां परीक्षा कराने के साथ नए अधियाचन मिलने पर कैलेंडर जारी कर सकता है। मतलब लास्ट तक ये हमें कॉन्क्लूजन मिला कि भाई आपको जो मेन मेरा वीडियो करने का मकसद था कि आपके जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम हैं ये कहां तक जाएंगे, तो ये आपके क्योंकि नए मॉडल से पेपर कराना है। अभी नियंत्रक नियुक्त हुए हैं तो महीना चल रहा है अक्टूबर नवंबर सितंबर, अक्टूबर में आप पूरा फेस्टिवल देखोगे। अब नवंबर लास्ट से, नवंबर मिडिल से कहीं ना कहीं आपसे ये कह सकते हो नवंबर दिसंबर में आपके इनके एग्जाम आएंगे, ये एग्जाम जो आपके 2022 वाले, और उसी समय एक तरह से कहा जाए कि आज से एक महीने बाद आप समझ लो क्या पहुंच गए आप, सीधे सीधे अक्टूबर खत्म हो गया क्योंकि ये सितंबर खत्म होने वाला है, 5-6 दिन बचा है जो भी आपके पास है। तो भैया अक्टूबर से एक महीना अब बाद नवंबर में, मतलब आपको यही बोला ना साल के अंत तक, तो न्यू वैकेंसी के आपके जो कैलेंडर हैं, है ना, आप सीधे कह सकते हो कि आपका जो कैलेंडर है, अगर हम बात करें कैलेंडर फॉर न्यू वैकेंसी, ये कब हमको देखने को मिलेगा, ये भी आपको उसी समय नवंबर दिसंबर। अब न्यू वैकेंसी में कौन कौन से कैलेंडर में आएंगे, अब न्यू वैकेंसी में आपको पता है कि साफ साफ यहां पर बोला गया है कि किसके किसके अधियाचन मांगे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आने वाली है, तो कमर कस लें, प्राइमरी टीचर आपका आने वाला है। दूसरी बात, आपके टीजीटी पीजीटी के भी अधियाचन मांगे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा इसके भी, और इसके जो अभी अधिक कहा जा रहा है, एक दावा किया जा रहा है कि यहां 78,000 आपके क्या हैं पद हैं, और यहां पर बोली गया था कि 25,000 के पद यहां पर हैं ओवरऑल, लेकिन इतने पे कहां आता है वो जानते ही हो, कहा जाता है लेकिन आती नहीं है भर्तियां, तो ये पद हैं। अब इससे पहले, क्योंकि प्राइमरी टीचर की भर्ती अगर आती है कैलेंडर में, तो आयोग का सबसे पहला कार्य क्या होगा, तो आयोग आपका सबसे पहले यूपी टेट कराएगा। क्या कराएगा, यूपी टेट कराएगा, क्योंकि आपके ये भी नहीं हुआ है, और यूपी टेट आपके कहीं ना कहीं जैसे कैलेंडर जारी होगा उसी समय इसके भी नोटिफिकेशन मिलेंगे, है ना, इसके भी आपको कह सकते हो कि अक्टूबर नवंबर, नवंबर तक इसके नोटिफिकेशन हम देखने को पाएंगे, और बहुत समय नहीं लगेगा इस एग्जाम को कराने में। अगर नवंबर में नोटिफिकेशन आता है या दिसंबर में आता है तो मात्र 1.5 महीने में आपको ये एग्जाम कंडक्ट करा लिया। तो 1.5 महीने के लिए क्या आप तैयार हो कि नोटिफिकेशन आए तब तैयारी करना है, आप ये कंफर्म हो गया कि हाँ नई भर्ती आएगी, कैलेंडर आने वाला है, सब कुछ आपको लिखित यहां न्यूज़पेपर में बताया गया है, और बच्चों के धरना का यही रिजल्ट है, और अभी इसे और तेजी से कराया जाएगा क्योंकि आयोग है, एक बार चलता है फिर सुस्त हो जाता है फिर चलेगा, तो वो सुस्त जब होगा तो हमें चलना पड़ेगा ताकि वो फिर उसी रफ्तार में चले। तो इसी वजह से ये कंफर्म है कि आपको 1.5 महीने में तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, तो आज से ही जब जुटोगे तभी आप वो भर्ती पा पाओ, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के लिए आप जुटो, चाहे आप प्राइमरी के लिए जुटो, लेकिन आज से ही जुट जाओ अपना पहले यूपीटेट जो बच्चे देना चाहते हैं, या बाकी जिसके पास सीटेट है, क्योंकि आपको यह पता है कि दिसंबर में सीटेट भी आपका है, दिसंबर जो सीटेट है वो भी होना है, और उसी के आसपास कहीं आपका यूपीटेट का भी होगा, तो जो लोग सीटेट नहीं पास किए हैं पहले से अब वो सीटेट आप कर सकते हो। और अभी एक और बवाला चल रहा है सीटेट की वैलिडिटी को, हो सकता है इसकी वैलिडिटी कुछ कम किया जाए, दायरा बनाया जाए, उसके बाद में बात करेंगे, तो ये ध्यान रखिए दिसंबर में सीटेट होगा, उसी के आसपास आपके यूपीटेट भी कराया जाएगा, तभी आपकी नई भर्ती आएगी और उसी में चांसेस आप सभी को मिलेंगे। तो तैयारी अपनी झोंक दीजिए जिस भी दिशा में, और जो लोग भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, बच्चों एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि सर हम यूपीटेट का तैयारी करना चाहते हैं, परीक्षा प्लस एक बेहतरीन आपके लिए यूपीटेट का मिनिमम शुल्क में बैच लेकर आएगी, और जिसे आपको कम से कम 3 महीना तो लगेगा ही, 3 मंथ हम इसको स्टार्ट कर देंगे और 3 मंथ में आपका
चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए, जिसे भी तैयारी करना है शिक्षक भर्ती की, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।